पर वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी के साथ भी। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुए दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी और जर्मनी की इतनी बुरी तरह हार होने के कारण शुरुआत हुई एक बहुत ही बड़े कन्फ्लिक्ट और पहले से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर की, जो था वर्ल्ड वॉर टू, जो शुरू हुआ 1939 में वर्ल्ड वॉर वन के करीबन 20 साल बाद, जिसका हिस्सा दुनिया के कोने कोने की कई सारी कंट्रीज बनी। हमारे पिछले वीडियो में जहाँ हमने वर्ल्ड वॉर वन की बात की थी, वहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि उस वॉर को ख़त्म करने के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी का हाथ था, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलीस, जिसे 1919 में अडॉप्ट किया गया था। तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू कैसे हुआ, ये जानने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर वन आखिर खत्म कैसे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर वन ट्रीटी ऑफ वर्सेलीस की वजह से खत्म हुई। अब वर्ल्ड वॉर वन को चालू करने वाली कंट्री भी जर्मनी ही थी, जिसकी बुरी तरह हार हुई, जिससे हिटलर बहुत ऑफेंड हुआ था। तो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वन में इस कंट्री का काफी पैसा लग चुका था। अब मानिए कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसे पनिशमेंट दी गई हो कि वो अपने कुछ हिस्सों को किसी और कंट्री को दे दे, या आपकी मिलिट्री पावर्स को दबा दे और आप पर हुकूमत करे, तो आपको कैसा लगेगा? सो ऐसा ही कुछ हुआ था जर्मनी के साथ। वर्सेलीस ट्रीटी ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी के ऊपर एक लाइबिलिटी डाल दी थी कि वो बाकी सभी अफेक्टेड कंट्रीज को वॉर के कारण हुए लॉसेस के लिए कुछ कॉम्पनसेशन देगा। इन रीजंस की वजह से जर्मनी का सारा पैसा और उसका ट्रेजर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। इस ट्रीटी के चलते जर्मनी को अपनी कुछ टेरिटरीज को नेबरिंग कंट्रीज को देनी पड़ी थी, और इनफैक्ट बाकी की जर्मन टेरिटरीज भी इंटरनेशनल सुपरविजन के अंदर आ गई। उसकी मिलिट्री पावर्स को भी इस ट्रीटी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी के साथ भी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीस ने जर्मनी पे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि जिसके बाद ये कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल और इसके साथ ही इकोनॉमिकली वीक बन गई। और इसी के बाद एडोल्फ हिटलर, जो कि नाजी पार्टी लीडर और डिक्टेटर थे, ये एक राइजिंग पावर के तौर पर सामने आए, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, वर्ल्ड डोमिनेशन और जर्मन्स की सुपीरियरिटी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ बातों का जान लेना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ऑस्ट्रियन टाउन का एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का बहुत ही पावरफुल और नोटोरियस नाजी लीडर बना। हिटलर के रूल से पहले वाइमार रिपब्लिक जर्मनी को रूल करती थी। इस वाइमार पीरियड के दौरान ज्यूइश लोगों को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, जिसकी वजह से इन लोगों के खिलाफ आगे चल के काफी हेट्रेड की फीलिंग्स पैदा हो गई। 1921 में जब एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी को लीड किया, तो उसने वाइमार रिपब्लिक और वर्सेलीस ट्रीटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और जर्मनी आ गया हिटलर के रूल के अंदर। अब वर्ल्ड वॉर टू में दो पार्टीज थी, पहली एलीट पावर और दूसरी एक्सिस पावर। एलीट पावर में जो देश शामिल थे वो है यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, रशिया, चाइना, ग्रीस, और क्या आपको पता है कि हमारा इंडिया भी एलीट पावर में ही काउंट किया जाता था। वही एक्सिस पावर वाली कंट्रीज थी जर्मनी, इटली और जापान। तो 1939 में हिटलर ने पोलैंड, जो कि एलीट पावर नेशन थी, इसको कैप्चर किया, जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था, और यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की। 1941 तक एडोल्फ हिटलर के इस नाजी फोर्सेस ने यूरोप के काफी सारे कंट्रीज को कैप्चर कर लिया था, और इसके आगे के 6 साल में कई सारे लोगों की डेथ भी हुई। उनके लैंड प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रॉय हो गए, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर वन से कई गुना ज्यादा नुकसान लोगों को वर्ल्ड वॉर टू में हुआ। अब बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग चीज की, जिसे नाजी फोर्सेस यूज किया करते थे उन लोगों पर जिन्हें हिटलर और उसकी फोर्स कम जरूरी मानते थे या कुछ मानते ही नहीं थे। हिटलर के पावरफुल बनने की जिद और डिक्टेटरशिप के चलते कई लोग मारे गए। एक्चुअली हिटलर एंटी सेमिटिज्म पे ब्लाइंडली बिलीव करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या होता है।
ये एक्चुअली एक तरह का अत्याचार या हॉस्टिलिटी है ज्यूइश लोगों के खिलाफ। क्या आपको पता है ज्यूइश लोगों के खिलाफ नफरत की शुरुआत हिटलर ने नहीं की थी, बल्कि ये तो काफी समय से चलता आया था। यूरोप के कई हिस्सों में ज्यूइश लोगों को माइनॉरिटी समझा जाता था और इवन इन्हें सिटीजनशिप भी नहीं दी जाती थी और इनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं थे। अब आपको ये तो पता चल गया कि जर्मनी के हिटलर ने 1939 में पोलैंड को कैप्चर किया था, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। तो वही उसके एक साल बाद 1940 में जर्मन्स ने पोलैंड की 3 मिलियन ज्यूइश पॉपुलेशन को भीड़ भड़ाके वाले गेतोज में रहने के लिए भेज दिया, जहाँ माइनॉरिटी ग्रुप्स रहती थी। इन गेतोज में से सबसे बड़ी गेतो थी वॉर्सॉ, और इसमें रहने की वजह से हजारों ज्यूइश लोग बीमारी और भूख प्यास के कारण मारे भी गए। और इन्हीं सब अत्याचारों के चलते हिटलर की ये हॉस्टिलिटी नाजी होलोकॉस्ट के नाम से जानी गई, जो हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग इवेंट था। तो वॉर्सो गेतो के इस इंसिडेंट के बाद हुआ वॉर्सो गेतो अपराइजिंग ऑफ 1943, जिसमें पहली बार मास रेबेलियन हुआ यूरोप के नाजी ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जब हिटलर के नाजी फोर्सेस के अगेंस्ट पहली बार आवाज उठाई गई। 1943 के इस वॉर्सो गेतो अपराइजिंग के बाद पूरा गेतो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जर्मन्स पोलैंड में रहने वाले सभी ज्यूज को मार ही देते, पर इनके अलावा जितने भी कैप्चर्ड ज्यूइश सर्वाइवर्स होते थे, जर्मन्स उन्हें रवीन में ले जाकर शूट कर देते थे। ज्यूइश लोगों के खिलाफ इस हेट्रेड पॉलिसी को हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान फाइनल सॉल्यूशन नाम दिया, जिसमें उसने सभी ज्यूइश लोगों को मार डालने का फाइनल किया। तो इस नाजी होलोकॉस्ट में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूज मारे गए, वो भी वॉर के दौरान। तो अल्टीमेट रिजल्ट तो ये था कि कई सारे ज्यूइश पीपल तो मारे ही गए थे। इसके साथ ही 1939 में इसके कारण जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ उसमें भी और कई लोगों की जाने गई। शॉकिंग बात तो ये है कि जहाँ वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के पीछे का कारण ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज था, वही वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने का कारण भी ये ट्रीटी ही था। अब हम एक और रीजन इस वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने का ये मान सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लिया, जिसके बाद 1945 में जर्मन फोर्सेस ने अपनी कंट्री को 4 बड़ी एलीट फोर्सेस के हाथों सरेंडर कर दिया। और ये फोर्सेस थी चाइना, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन। तो इन एलीट फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर टू का रुख ही बदल दिया। क्या आपको पता है कि इस वॉर में मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? इस वॉर में सोल्जर्स से भी ज़्यादा मौतें और ज़्यादा डेथ्स आम आदमी की हुई थी। करीबन 4 करोड़ सिविलियंस इस वॉर में मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जर्मनी में क्या क्या हो रहा था, इसके बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। और आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स कवर करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही हमारे कोर्सेज की जानकारी पाने के लिए आप learn.phonology.in पे भी विजिट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।